हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कन्या लग्न कन्या राशि वालों के लिए जो उनका शक्ति स्थान है, जो जीवन साथी का स्थान है, तो कैसा होगा आपका जीवन साथी, कैसा चलेगा आपका दाम्पत्य जीवन। दो पॉइंट है, कैसा होगा आपका जीवन साथी, दूसरा कैसा चलेगा आपका दाम्पत्य जीवन। दो बिंदुओं को लेकर हम बात करेंगे। तो उत्तर फाल्गुनी हस्त और चित्रा, उत्तर फाल्गुनी हस्त और चित्रा तीन नक्षत्रों की शक्ति को लेकर चलने वाले आप लोग। सूर्य चंद्र और मंगल तीन की एनर्जी है आपके अंदर। देखिए कन्या लगन कन्या राशि कहने के लिए बड़ी सीधी सी लगन और सीधी सी राशि है, किंतु इसमें सूर्य का नक्षत्र है। अब देखिए लगन तो क्या है, कन्या है, बुध का लगन है, और यहाँ का जो बुध होता है ना परिपक्व होता है। यहाँ का बुध अगर अपने बेचने पर आ जाए ना तो अपने पीतल को आपको सोने के दाम बेच देगा। गंजे को कंघा बेचने वाली कहानी आपने सुनी है ना, यही लोग होते हैं, ये गंजे को कंघा बेच देते हैं, ठीक है ना। तो इतने चालाक होते हैं। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है, उत्तर फाल्गुनी छायनी शक्ति लेके चलता है, छा जाते हैं अपनी बातों में, छा जाते हैं, वे आप टॉकिंग अच्छी होती है, लोगों को अच्छी तरीके से समझते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, उस बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं मार्केट में चल क्या रहा है। वहीं चंद्रमा की हस्त स्थापना शक्ति है, हस्त स्थापना गम्य शक्ति, मतलब कुछ भी है ये काम बना ही ले जाएंगे, कुछ भी हो काम कर ही ले जाना है, बना ही ले जाना है। वहीं मंगल का चित्रा नक्षत्र है, चित्रकार हैं, तो परिस्थितियों को अपने अनुरूप ढाल ही लेते हैं, लेकिन बेचारे पैदा होते हैं संघर्ष के लिए और जीवन पर्यंत संघर्ष करते हैं। देखिए होते तो आप लोग बुद्धिमान हैं, लेकिन आपको कोई बुद्धिमान मानने के लिए तैयार ही नहीं है, खासकर आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग, उनके लिए आप लौंडे हो, बच्चे हो, कितनी भी आपकी उम्र हो गई उनके लिए बच्चे ही हो। विदुर को पूरी दुनिया विदुर मानती थी, लेकिन उनके दरबार वाले विदुर को विदुर मानते ही नहीं थे, ठीक है ना। तो ये स्थितियाँ आपके साथ चलेंगी। अब आपकी ऐसी एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए आपके जीवन साथी क्या क्या एनर्जी लेके आएगा उसकी चर्चा करें। तो चर्चा आरंभ करें उसके पहले, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आज कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी वह चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत आधार बिंदुओं पर बात करता है, अर्थात नक्षत्रों पर बात करता है। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र है, बात नेत्रों तक की। तो आप उनका सपोर्ट करिए जिनके पास स्वतः नेत्र है, उनका नहीं जो बिना नेत्र के हैं। नेत्रहीन व्यक्ति आपको कहाँ ले जाएगा, खुद गड्ढे में गिरेगा और आपको भी गड्ढे में गिरा देगा। तो बात नेत्रों की, खुद सपोर्ट करिए, मित्रों को भी ले आइए। आपका जो जीवन साथी आ रहा है पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती तीन नक्षत्रों की शक्ति लेके आ रहा है। देखिए अगर ध्यान से आप सुनना चाहें ना, थोड़े अगर आप आध्यात्मिक हैं, तो आपका जीवन साथी आपके लिए मुक्ति का पथ लेके आएगा। आपका जीवन साथी आपके लिए मुक्ति का पथ लेके आएगा। पूर्व भाद्रपद मतलब पहले से ही वो भद्र है, पहले से श्रेष्ठ है, मतलब वो जन्मजात उसके अंदर जो चीज़ें आई हैं वो श्रेष्ठता वाली है, बड़प्पन है। पूर्व जन्म में भी वो श्रेष्ठ था, इस जन्म में भी श्रेष्ठ कर्म करने के लिए आ रहा है, अगर गहराई से सोचे तो। उत्तर भाद्रपद मतलब बाद में भी श्रेष्ठ कर्म करेगा, और फिर रेवती आएगा, रेवती मतलब मुक्ति, रेवती मतलब धनदायक नक्षत्र होता है। एक चीज़ को ये भी ध्यान रखिएगा, धनदायक नक्षत्र, तो उसके आने के बाद जीवन में धन आना स्वाभाविक रूप से सरल हो जाएगा। तो तीन ग्रहों की, तीन नक्षत्रों की शक्ति लेके चल रहा है, आप सूर्य चंद्र मंगल की शक्ति लेके चल रहे हैं। आपको कंट्रोल करने के लिए वो गुरु की गुरुता है, शनि का कर्म है और बुध की तेजस्विता, बुध की बुद्धिमत्ता, इन तीनों को लेके चलने वाला आपका जीवन साथी, निश्चित रूप से आपका जीवन साथी आपसे ज़्यादा मैच्योर दिखाई देगा, ठीक। आप उसके सामने थोड़े से बच्चे दिखेंगे, थोड़े से बच्चे दिखेंगे, वो हर तरह से मैच्योरिटी में और इवन दैन फिजिकल में भी आप पे भारी पड़ेगा, क्योंकि मीन है, जल तत्व ज़्यादा है, हवा पी के ऐसे लोग मोटे हो जाते हैं, कम खाना खाएंगे लेकिन हेल्दी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। आपके अंदर क्या है ना, बुध का बचपना है, कुछ भी हो मस्ती करना, मजाक करना, हंसते रहना, जिंदगी को जिंदा दिली से जीना, ये आपके नेचर में है, लेकिन ऐसा आपका जीवन साथी नहीं है। जीवन साथी क्या है, सिस्टमेटिक ढंग से काम करने वाला होगा। वो बोलता है मैं उत्तर मतलब पूर्व में भी भद्र थी, बाद में भी भद्र होना है, मैं पूर्व में भी श्रेष्ठ था, बाद में भी श्रेष्ठ होना है, और हमें रेवती की तरफ बढ़ना, मतलब मुक्ति की ओर बढ़ जाना है। तो ऐसे लोगों के जो लक्ष्य होते हैं ऊँचे होते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व आपको मिल रहा है जो आपके जीवन में ज्ञान के स्रोत को लेके आ रहा है, मुक्ति की बात को लेके आ रहा है, अगर ध्यान से सुनिए तो।
देखिए, आपका जीवन साथी थोड़ा सा चंचल होगा, मीन जैसा होगा, मछली जैसा होगा, सुख के इर्द गिर्द घूमेगा। मछली को देखा है, जो इसका प्रतीक चिन्ह होता है, दो मछलियाँ होती हैं एक दूसरे के चारों ओर घूमती रहती हैं। तो आप जो है अपने जीवन साथी या आपका जीवन साथी आपके ही इर्द गिर्द घूमेगा। लेकिन यहाँ पे अगर गुरु के नक्षत्र में तो बहुत अच्छा है, तब तो आप लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर जाएगा। लेकिन शनि के नक्षत्र में है तो कुछ चीज़ों में कमी आ जाती है। बुध के नक्षत्र में है तब फिर क्या होता है कि बुध, याद रखिएगा, शनि और बुध दो ऐसे ग्रह है ना, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा फल देते हैं, बाद में कहीं ना कहीं ये अपना प्रभाव दे देते हैं और इनको इम्पोर्टेंसी का कारक कहा गया है। तो इस तरह की चीज़ें भी जीवन में आती हैं जिससे दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा मधुरता कम हो जाती है। अब यहाँ पे इसके बाद अगर ग्रह यहीं बैठे हुए हैं तो आपको बहुत सुंदर फल देंगे, अति सुंदर फल देंगे, जीवन सुंदरमय होगा, आनंदमय होगा, इंजॉय करते हुए आप आगे बढ़ते जाएंगे। किंतु इसके बाद अगर यदि अष्टम भाव में जाते हैं, देखिए अष्टम भाव क्या है, प्रॉपर तरीके से गड्ढा है। यहाँ पे मंगल देव आपके कुंडली में कारकत्व को लेके नहीं चलते, मंगल देव बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होते। तो फिर यहाँ पे परेशानी क्या आती है कि आयु, अब आपके जीवन साथी को हम कह सकते हैं आयु के घर में है, ठीक है ना, अपने से द्वितीय है तो धन की स्थिति बनती है। ससुराल वाले भी ज्ञानी हो सकते हैं लेकिन दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहती। कारण मधुरता न रहने की, देखिए भैया कारण ये है कि अश्विनी वाला तेज आएगा, केतु का प्रभाव आएगा, केतु क्या है दाम्पत्य जीवन में बहुत अच्छा फल नहीं देता। भरणी में रहेंगे तो भरण पोषण करना सिखाएंगे, अच्छा रहेगा, लेकिन कृतिका में रहेंगे तो जीवन साथी तेज हो जाएगा। तो आपका जीवन साथी क्या है, पहली बात मेष में जाते ही जीवन साथी लड़ाकू हो जाएगा, वो किसी चीज़ के दबंग टाइप हो जाएगा, दबेगा ही नहीं। अश्विनी में आए तो घोड़ा जैसा हो जाएगा, मतलब अपनी बातों को प्रधानता देगा। भरणी में है तो परिवार का पालन पोषण करने वाला हो जाएगा। कृतिका में है तो मेरे से अच्छा कोई नहीं, मेरे से तेज कोई नहीं, इस बातों को लेकर चलेगा। नवम भाव में अगर गया आपका सप्तमेश, नवम भाव मतलब वृषभ राशि, तो आपकी कुंडली में तो योग कारक हो जाएंगे क्योंकि केंद्र के स्वामी त्रिकोण में राजयोग। तो कृतिका में जाएंगे तो सूर्य के नक्षत्र में, फिर भी आपको जीवन साथी के जीवन में आने के पश्चात मान सम्मान मिलना शुरू होगा, लेकिन कृतिका में दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा नहीं जाता। हाँ, रोहिणी में जाएंगे तो डेफिनेटली जीवन साथी के आने के बाद आपका भाग्योदय होना सुनिश्चित है, भाग्योदय हो जाएगा, उसने जीवन साथी ने कदम रखे और भाग्य के दरवाजे खुले। रोहिणी आरोहणा शक्ति लेके चलते हैं, छा जाएंगे आप विवाह के बाद, छा जाएंगे घर में, अक्षत पड़ते ही सारी बुरी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। तो रोहिणी में दाम्पत्य जीवन बहुत सुंदर होगा, आपका लाइफ पार्टनर भी बहुत सुंदर होगा, आकर्षण उसके अंदर गजब का होगा। मृगशिरा में है तो आपका लाइफ पार्टनर चंचल होगा लेकिन फिर मृग जैसा हो जाएगा, यहाँ देखेगा वहाँ देखेगा, आपके सामने पनीर पड़ी है लेकिन पनीर छोड़ के दूसरे की सूखी सब्जी देखेगा, इस तरह का नेचर हो जाता है। आप देख लीजिए अपनी कुंडली उठा के, अगर इस तरह की चीज़ें नहीं आती तो फिर बताइएगा। देखिए जो हमारे नक्षत्र कहते हैं ना, वो जीवन में होगा ही होगा, वो होता ही होता है। जब आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो सॉफ्टवेयर काम करेंगे ही करेंगे, अगर आपके पास वो नहीं है तो नहीं करेगा। तो यहाँ पे नक्षत्र इन्हीं चीज़ों को बताते हैं। अब यहाँ पे फिर भी दाम्पत्य जीवन बढ़िया जाएगा, आपका जीवन साथी बैल जैसा होगा, मतलब बैल जैसे का मतलब मेहनती होगा, थ्रू आउट मेहनत करने वाला होगा। वहीं पे यदि आपके मिथुन राशि में चले गए, मिथुन राशि मतलब कर्मा भाव में, अच्छा है, लाइफ पार्टनर के आने के पश्चात आप कर्म के पथ पर आगे बढ़ जाएंगे, आप मेहनत बहुत करेंगे। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो नौकरी करना शुरू कर देंगे, और आपका लाइफ पार्टनर भी आपके कर्म को संवारने वाला होगा, कर्म पथ को आगे ले जाने वाला होगा, कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना है कि मृगशिरा में अगर रहेगा तो थोड़ी चंचलता रहेगी, आप के साथ भी हैं और कोई किसी और के साथ हैं। अब यहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र में अगर चला जाएगा ना, तब दाम्पत्य जीवन में परेशानी आएगी, गुरु फंस जाएगा, आर्द्रा दलदल है, गुरु को फंसा देगा। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा तनावपूर्ण, ना तो आप रह पाओगे ना तो छोड़ पाओगे, छोड़ भी नहीं सकते जब तक पाप प्रभाव सप्तम भाव पे ना हो, तो अलगाववाद भी नहीं होगा, रोज झगड़ा होगा, रोज मान मनोबल होगा, मान जाएंगे। पुनर्वसु में है तो फिर क्या होता है कि झगड़े रोज होते हैं फिर शांत हो जाते हैं, हफ्ते में 3 दिन झगड़े करेंगे शांत हो जाएंगे, इस तरह की चीज़ों को लेकर आप लोग चलने वाले हैं। और चीज़ें आपको ये देखना होगा कि इसके साथ साथ
आपके जब एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, कहाँ प्रवेश करेंगे? एकादश भाव में, लाभ के घर में। लाभ के घर में प्रवेश करते ही गुरु को लाभ होता है, गुरु लाभ देने वाले होते हैं, गुरु को लाभ नहीं होता, गुरु लाभ देने वाले होते हैं। अब एकादश भाव में गुरु उच्च के हो जाएंगे, लेकिन उच्च के कहाँ होंगे? पुनर्वसु में अच्छा है जीवन साथी आपका, थोड़ा सा चंचलता है, लेकिन पुष्य में जाएंगे श्रेष्ठ फल देने वाला, उच्चता प्राप्त करता है। ऐसे में आपके जीवन साथी के आने के पश्चात निश्चित रूप से आपका जीवन साथी खुद विकास करता है और आपके विकास के पथ को अग्रसर करने वाला, उच्च, निश्चित रूप से आपका जीवन साथी उच्चता वाला, गुरुता वाला है, खुद भी खाता है, दूसरों को खिलाता है, मतलब एक अच्छे पद पर सुशोभित होगा, एक बड़े पथ पर चलने वाला पदाधिकारी हो सकता है और आपके लाइफ में आने के पश्चात उसका विकास होगा, या वो आपके जीवन में जैसे आएगा आप उसका, आपका और उसका दोनों का विकास होना शुरू होगा। यहीं पे ये अश्लेषा नक्षत्र में जाएंगे ना तो दिखाई देते हैं उच्च के, लेकिन उच्च के होते नहीं, बंध जाते हैं, बुध का नक्षत्र है, लेकिन आपके लग्नेश होने की वजह से, लग्नेश होने की वजह से यहाँ भी गुरु कारक हो जाते हैं, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी और राजा दोनों बुध हैं, तो बोलेंगे गुरु महाराज कोई बात नहीं, हम आपके शासन में काम कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा देंगे, फिर भी यहाँ अच्छा फल मिलता है। आपका जीवन साथी थोड़ा चंचल होगा, जीवन साथी उदार ज़्यादा हो जाएगा, लोगों के कल्याण के लिए काम करने की भावना ज़्यादा हो जाएगी। वहीं पर यदि आपके सप्तम भाव के स्वामी चले गए द्वादश भाव में, तो भाई जीवन साथी बोलेगा हम तो पैदा ही हुए हैं सत्ता संभालने के लिए, तो पैदा ऐसी राजा ज्ञान के साथ, किसके साथ? ऐसा नहीं है कि अहंकार के साथ, ज्ञान के साथ, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का पुर ज़्यादा है, उनके अंदर काम करने की क्षमता ज़्यादा है, इस चीज़ों को लेके वो बोलेंगे कि नहीं हमें काम करना है, आगे बढ़ना है। लेकिन अपने से द्वादश होने से दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी जो मधुरता होती है, मधुरता में कमी आ जाती है, जीवन साथी से दूर रहना पड़ता है। यद्यपि जीवन साथी तेज तर्राक होगा आपका, अब मघा में है तो डेफिनेटली अपनी बात को मनवाने वाला होगा, तेज होगा, जो मन में आएगा वो काम करेगा, थोड़ा सा घर वालों को डिस्करेक्ट करना है डिस्करेक्ट कर देगा। पूर्व फाल्गुनी में है तो जिंदा दिल होगा, बिंदास होगा और आपको भी इंजॉय कराएगा, खुद भी इंजॉय करेगा। पूर्व उत्तर फाल्गुनी में है तो अधिकारों की बात ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर नहीं जाता। हाँ, आप जन्म स्थान से दोनों पति पत्नी निकल जाएं कहीं दूर तो इसका दोष खत्म हो जाता है। गुरु यदि लगन में बैठे हों तो अच्छी बात है, आपने अपने जीवन साथी को अपने सर पे बैठा लिया। अब जीवन साथी क्या है, हस्त नक्षत्र में है, बहुत सुंदर फल मिलेगा, बहुत ही सुंदर फल मिलेगा, बहुत आदर्श जोड़ी होगी आपकी। लेकिन उत्तर फाल्गुनी और चित्रा में है तो फिर वो सर पे बैठा है और सर पे डांस भी करेगा। अब सर पे बैठाए हैं तो डांस भी करेगा भाई, गंदगी भी करेगा, तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन तीन नक्षत्रों के आधार पर चलेगा। लेकिन आप भी जैसे बच्चे हैं, जीवन साथी भी थोड़ा बचपना होगा, दोनों एंजॉय करते हुए, लड़ते झगड़ते हुए, जीवन को आनंद पूर्वक चलते हुए निकल जाएंगे। जीवन साथी भी आपकी तरह ही होगा, सेम होगा। सप्तम का स्वामी यदि अष्टम में चला जाए, मतलब तुला राशि में, चित्रा स्वाति विशाखा तीन नक्षत्रों की शक्ति आ जाएगी, तो चित्रा में ठीक है, बड़ा जैसा होगा, फटाफट काम करने वाला होगा। स्वाति में जब जाएगा ना तो स्वाति में थोड़ा सा फंस जाएगा। सप्तमेश जब भी अपने से आठवें चले गए तो पहली बात परेशानी आ जाएगी। ऐसी जगह आप दोनों नौकरी करोगे ना, चाह के मिल नहीं पाओगे, या कभी कभी क्या होता है कि ऐसे में लाइफ पार्टनर के पास बहुत पैसा होता है और उसके पैसे जो है आप यूज़ नहीं कर पाते, होने के लिए तो बहुत कुछ होता है लेकिन यूज़ नहीं कर पाते। जीवन साथी जब आपके जीवन में आएगा तो पैसे के स्रोत अचानक बढ़ जाएंगे, जीवन साथी पर्याप्त मात्रा में पैसा लेके आएगा या आय के स्रोत में आपको सपोर्ट करेगा। तो कभी कभी कंडीशन ये होती है कि दोनों लोग कमाना शुरू करिए और पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि पैसे को उपयोग करने का समय नहीं मिलता, बंधे से हुए हैं आप, कहीं और बंधे हुए हैं, जीवन साथी कहीं और बंधा हुआ है, हफ्ते में एक दिन टाइम मिलता है, आए तो घर के काम है, प्रेम करने की स्थिति नहीं बनती, ऐसी स्थितियाँ बन जाती हैं। तो यहाँ पे सप्तमेश का अष्टम में जाना, अपने से अष्टम जाना, बहुत अच्छा फल नहीं मिलता। लेकिन अगर बात करें तो तुला में है, तुला मतलब बढ़िया दिखना, अच्छा दिखना, सजना संवरना, तो आपका लाइफ पार्टनर गुड लुकिंग है, अच्छा है, मेंटेन रखता है अपने आप को, बढ़िया बातें करने वाला है। स्वाति में जाएंगे तो थोड़ी सी परेशानी आएगी, बकाया जगह परेशानी नहीं आएगी। आपके सप्तमेश तृतीय भाव में तो सप्तम का स्वामी नवम भाव में, विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, विशाखा में बहुत अच्छा है, अनुराधा में भी है तो अच्छा है और ज्येष्ठा में अत्यंत श्रेष्ठ है, तो विशाखा और ज्येष्ठा दोनों में श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। तो गुरु के नक्षत्र में अच्छा फल देंगे
और बुध के नक्षत्र में भी अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। जीवन साथी के आने के पश्चात जीवन में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? लाभ होना शुरू हो जाएगा, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, उसके आते ही फटाफट आप आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यदि सप्तमेश अपने से दशम चतुर्थ भाव में धनु राशि में बैठे हैं तो जीवन साथी एकाग्र होगा, कंसंट्रेट होगा, लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने वाला होगा और लक्ष्य ही उसके जीवन का प्रधान पार्ट होगा, आप ऐसे कह सकते हैं। सुंदर होगा, गुरु की धनु राशि सुंदर है, जीवन साथी अत्यंत सुंदर होगा, तेज भी होगा। तेज इसलिए होगा कि मूला नक्षत्र का प्रभाव लेकर चलेगा, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा तो सौम्य ज़्यादा हो जाएगा, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लेकर आए तो तुनक मिजाजी भी हो जाएगा, इस तरह को आपको जीवन साथी लेकर चलेगा। वहीं पे यदि पंचम भाव में है, मकर राशि में है, तो आप देखते ही आप बोलेंगे नीच के, नीच के ऐसे नहीं, नीच के बोलते उत्तराषाढ़ा में है तो उतना प्रभाव नहीं आएगा, हाँ धीरे से श्रवण नक्षत्र में जाएंगे तब थोड़ी सी परेशानियाँ आनी शुरू होंगी। तो उत्तराषाढ़ा में है तो अधिकार की बात है, उत्तर मतलब बाद में, अषाढ़ मतलब प्रसन्नता देने वाला, श्रवण नक्षत्र में है तो एक अच्छा लिसनर है आपका, लाइफ पार्टनर आपकी हर बातों को सुनने वाला है। धनिष्ठा नक्षत्र में है तो ये दाम्पत्य जीवन के लिए परेशानी देने वाला है, क्योंकि मंगल आपके कुंडली में कारक नहीं है, सिर्फ ईगो आएगा, अधिकार की बातें की जाएंगी। तो यहाँ पे मकर में भी जीवन साथी सुंदर है, मगरमच्छ जैसा है, मकर तो सुंदर होता है, सुंदरता रहेगी। आपके आपके कुंडली में जब भी सप्तम भाव के स्वामी अष्टम भाव में जाएंगे तब परेशानी आएगी। देखिए यहाँ पे कुंभ है, कौन सा ग्रह है? कुंभ, ओ सॉरी राशि कुंभ। कुंभ का मतलब घड़ा जैसा, तो बहुत सी बातें छुपा ले जाने वाली हैं, बातों को साइड में कर देना है। कुंभ में क्या है? धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव है, तो धनिष्ठा मंगल कन्या लग्न के लिए कारकत्व को लेकर नहीं चलता, परेशानी देता है, झगड़ा हो जाएगा। सतविषा नक्षत्र में है, स्थितियाँ खराब बन जाएंगी, छुपा ली जाएंगी, आपका जीवन साथी क्या कर रहा है आपको ही नहीं पता है, वो जाएगा कहीं और बताएगा कहीं और, इस तरह की चीज़ें होंगी सतविषा नक्षत्र में। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन मधुर नहीं रहेगा, पूर्व भाद्रपद में अंतिम चरण में स्थितियाँ कंट्रोल रहेंगी। तो यहाँ पे अगर पाप प्रभाव पड़ा तब तो आपका हो जाएगा तलाक, नहीं तो दोनों एक दूसरे को साथ में लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। तो सप्तम भाव की ये स्थिति है, आपका जीवन साथी निश्चित रूप से सुंदर होगा, निश्चित रूप से ज्ञानी होगा, और सबसे खास बात, यदि रेवती में पैदा हुआ, रेवती में हुआ तो मुक्ति का पथ लेके आएगा, मुक्ति का रास्ता लेके आएगा। तो आशा करता हूँ कि नक्षत्रानुसार चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, अपनी कुंडली खोल के देख लीजिए, जिस जैसी चीज़ें बताई गई हैं जीवन साथी के साथ वैसा ही होगा। कैसे इसको ठीक करें, क्या करें, उसकी जानकारी के लिए दिए नंबरों पर संपर्क करिए, मैं और मेरी पूरी टीम आपके सेवा सहायता के लिए नियमावली के साथ खड़ी है। आपके लिए मंगलमय शुभकामना, राधे राधे।